ठेला चालक, सब्जी बेचने वाले के बच्चे, किसानों के, गरीबों के बच्चे जब एक साथ सरकारी विद्यालय में आईपीएस के साथ, आईपीएस के बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो क्या माहौल। कहने का तात्पर्य, आईएएस आईपीएस बड़े लोगों के बेटे बेटियों बच्चों के साथ अगर ठेला चालक, सब्जी बेचने वाले, गरीब गुरबे लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में एक साथ पढ़ेंगे तो कैसा माहौल। निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। सरकारी स्कूलों पर उठने वाली उंगलियां उठना बंद हो जाएगा, क्योंकि नियम बनाने वाले, नियम का पालन करवाने वाले, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले और अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए उतावला रहने वाले गरीब गुरबे, तमाम चीज अगर एक जगह हो जाए, तमाम लोगों के बच्चे एक जगह हो जाए, तब तो उंगलियां नहीं उठेंगी। ऐसे भी उंगलियां उठाई जाती है तो उसमें जिस पर हम उंगली उठाते हैं उस पर मात्र 25% ही दोष होता है। कारण कि जब हम उंगली उठाते हैं इस प्रकार से, आप इस चीज को देखेंगे तो एक उंगली जिस पर हम उठा रहे हैं तो एक उंगली यानी 25% उसकी ओर इशारा कर रहा है और तीन उंगलियां हमारी देखिए मुड़ी हुई है, 1, 2, 3, ये तीन हमारे तरफ इशारा कर रही है। तो जिस चीज में हमें गलतियां नजर आती है उसमें गलतियां जिसको हम बता रहे हैं उसका 25% ही दोष होता है, 75% दोष खुद का होता है। यानी कि सरकारी विद्यालय पर जो पदाधिकारी, जो बड़े लोग या कोई भी शिक्षाविद अगर उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले जिस पर उंगलियां उठाई जा रही है, यानी सरकारी विद्यालय पर उंगलियां उठाई जा रही है, तो सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों का मात्र 25% ही गलतियां मानी जा सकती है, दो कर्तव्यों में पीछे होते होंगे। लेकिन जो नियम बना रहे हैं, जो नियम का अनुपालन कराने के लिए उनको बैठाया गया है, उनमें 75% गलतियां। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, पटना हाई कोर्ट का बड़ी टिप्पणी आई है, बिहार सरकार से पूछा है, शिक्षा विभाग से पूछा गया है कि आपके यहां सरकारी विद्यालयों में आईएएस आईपीएस के कितने बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने भी शिक्षा विभाग से पूछा है कि कितने सरकारी अफसरों के बच्चे, कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे सरकारी विद्यालय। अब एक बड़ी टिप्पणी शिक्षकों के नेता कहे जाने वाले नवल किशोर यादव की ओर से भी टिप्पणी एक चैनल में दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर गरीब गुरबों के बच्चों के साथ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विद्यालय विद्यालय रहेगा और बच्चों का भविष्य संवरेगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आप अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोल। खबरों की ओर चलने से पहले विषय विषयांतर विश्लेषण की ओर चलते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यह बहुत मंथन और विश्लेषण वाली बात है। समान शिक्षा नीति यही कहलाती है कि चाहे बड़े लोगों के बच्चे हो या छोटे लोगों के बच्चे हो, सबको शिक्षा जरूरी है और एक साथ जरूरी है। अगर सभी छोटे बड़े लोगों के, चाहे वह गरीब के बच्चे हो, अमीर के बच्चे हो, दुकानदार के बच्चे हो, ठेला चालक के बच्चे हो, सब्जी बेचने वाले के बच्चे हो, अगर सभी आईएएस आईपीएस के बच्चे हो और सभी एक साथ अगर एक ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगे
तो निश्चित तौर पर समान शिक्षा नीति का परिकल्पना किया जा सके, सुधार होगा, उंगलियां फिर नहीं उठेगी कि विद्यालय में एक कमी है। लेकिन विद्यालय में आने वाले पदाधिकारी वहां की खामियां देखा करते हैं, खामियों को सुधारने के लिए कोई खास पते नहीं। एसी रूम में बैठकर आईएएस आईपीएस या मंत्री जी नियम को बनाते हैं, नियम लागू करते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन उस कानून की परिकल्पना करने से पहले वह अपने परिवार से उस चीज को अगर जोड़ दे तो निश्चित तौर पर जितना मत्था पच्ची की जाती है एसी रूम में बैठकर उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां भी गड़बड़ी नजर आएगी खुद सोचेंगे या खुद उसको व्यवस्थित कर लेंगे। हमेशा विद्यालय पर उंगली उठती है, विद्यालय पर उंगली उठने का मतलब है कि शिक्षक दोषी है। मैंने कहा कि उंगली जब उठती है तो यह उंगली जिस पर हम उठाते हैं यानी कि शिक्षकों पर उठा रहे हैं, तो शिक्षकों की मात्र 25% गलतियां हैं और जो लोग उंगलियां शिक्षकों पर उठाते हैं उनको 75% गलतियां होती है। देखिए जिस प्रकार से हमारी हाथों की उंगलियों को आप देख सकते हैं, एक उंगली जो है आगे सामने वाला पर उठ रहा है, तीन उंगलियां देखिए मुड़ा हुआ अपनी ओर है, तो गलती बताने वाले को 75% गलतियां होती है। तो शिक्षकों पर गलतियां आरोप लगाने वाले जो आरोप लगाते हैं वो तीन उंगलियों की तरह उनके की ओर इशारा कर रहा कि आप में 75% इसको लेकर गलतियां हैं। तो निश्चित तौर पर पटना हाई कोर्ट का जो टिप्पणी आई है, जो आदेश आया है, पूछा गया है बिहार शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से कि आप बताएं कि बिहार में आप राज्य में प्रदेश में कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। बखूबी हमारे भीबर सभी जानते हैं कि कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने सरकारी कर्मी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने बड़े लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने नेताओं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर इन तमाम लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगे तो जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी है, शिक्षकों की पदस्थापना कर रही है, उसमें कोई खास सुधार करने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप जब शिक्षक के बच्चे वहां पढ़ने लगेंगे, आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ने लगेंगे, विधायक जी के बच्चे पढ़ने लगेंगे, सांसद महोदय के बच्चे पढ़ने लगेंगे, शिक्षा मंत्री के बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर नियम वहां से नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, एसी रूम से नहीं, बल्कि विद्यालय में जो कमी नजर आएगी आपस में लोग बैठकर तुरंत, एक महीने नहीं लगेंगे, पत्र जारी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद उसमें सुधार होगा। हमारी टिप्पणी कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको लेकर जहां पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है वो मांगा है ब्यौरा, हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा है कि आप बताएं कि आईएएस आईपीएस के बच्चे कितने परसेंट कितने पढ़ते हैं। उसके बाद बिहार सरकार ने भी शिक्षा विभाग से मांग कर दिया है कि बताएं कि कितने आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चे, पदाधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। पत्र भी इसको लेकर जारी कर दिया गया है। अब टेंशन तो है, लेकिन इसको किस रूप में जवाब दिया जाता है कोर्ट को और शिक्षा विभाग बिहार सरकार को क्या जवाब देती है, और इस पहलू के बाद शिक्षा विभाग के जवाब के बाद बिहार सरकार क्या फैसला लेती है, और बिहार सरकार से जवाब मिलने के बाद हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, दिलचस्प होगी। अगर ऐसी परिकल्पना जो की गई है तो निश्चित तौर पर समान शिक्षा नीति की जो सार्थकता है वह बिल्कुल सत्य साबित होगा, सुधार हो जाएगी बिहार में शिक्षा व्यवस्था। अब इस टिप्पणी के बाद एक मीडिया से बात करते हुए खास इंटरव्यू में शिक्षकों के नेता कहे जाने वाले शिक्षक नेता के रूप में नवल किशोर यादव ने भी इसको इस मुद्दा को बखूबी उठाया। उन्होंने कहा है कि जब ठेला चालक के बच्चे, सब्जी बेचने वाले के बच्चे, गरीब गुरुओं के बच्चे,
जब ISIPS के बच्चों के साथ, बड़े लोगों के बेटों के साथ, नेताओं के बच्चों के साथ एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, समान शिक्षा नीति के सुधार की परिकल्पना संभव हो पाएगा। जो परिकल्पना की जाती है तो इस तरह के पहल पर, केवल आदेश पर आदेश, फरमान पर फरमान निकालने से कोई व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, एसी रूम में बैठकर बड़े बड़े आदेश जारी कर दिए जाते हैं, तो कहा गया है कि किसी भी सुधार करने के लिए पहले खुद से पहल करने की जरूरत होती है। मैं तमाम ISIPS बड़े लोगों के पर टिप्पणी नहीं, कुछ वैसे परसेंटेज लोग हैं, ISIPS के भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े नेतागण हैं, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों से जुड़े, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि फलाने डीएम साहब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। डीएम साहब खेतों में अपने बच्चों के साथ उतरते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहां के डीएम साहब की ये बात आई, तो वो अपने गांव आए और गांव में अपने बच्चों के साथ खेतों में उतरे। खैर जो भी कारण हो, लेकिन यह मुद्दा जो उठी है यह दूर तलक तक जानी चाहिए। शिक्षकों पर उंगलियां उठाने वाले के लिए अब नजर आएगा कि क्या सच्चाई हो सकती है। पदाधिकारी आते हैं सरकारी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनते हुए, उसको कलछुल से उठाते हैं और कहते हैं कि यह सब्जी नहीं, यह दाल नहीं, पानी नजर आ रहा है। बहुत सारी बातें, क्यों पानी नजर आता है ये आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि क्यों पानी नजर आता है। सीधा जवाब आपकी हो सकती है, अगर आप शिक्षक नहीं है तो सीधा जवाब आपका होगा कि सब मास्टर लोग खा जाता है। लेकिन आप शिक्षक होंगे तो जानते होंगे कि आखिर वो पानी जैसा बनता क्यों है, इसमें कितनी भूमिका पदाधिकारियों की होती है, ये तमाम लोग जानते ही हैं। अगर यही पदाधिकारी, यही शिक्षक, सभी के बच्चे अगर विद्यालय में, एक ही विद्यालय में पढ़ने लगे तो ना तो कलछुल उठाकर चेक करने वाला कोई होगा और ना वह पानी जैसा सब्जी और दाल बनाने वाला, क्योंकि हर लोग चाहेगा कि मेरा बच्चा स्वच्छ, साफ और ताजा भोजन करे, दाल भी दाल जैसा रहे, सब्जी भी सब्जी जैसा रहे। आलू की सब्जी बनाकर बच्चों को नहीं खिलाएंगे, बल्कि जिस प्रकार से नियम बनाया गया है कि हर पत्तेदार सब्जियों को बच्चों को देना है, पौष्टिक आहार देना है, फल को बांटना है, तो सड़े गले फल लाकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि मार्केट में जो अच्छा और सुंदर पौष्टिक वाला फल होगा, सेब होगा, अनार होगा, वो तमाम चीजों को बच्चों को दिया जाएगा। तो बहुत दूर तक यह बातें उठी है, अगर जिस प्रकार से यह परिकल्पना की गई है, अगर परिकल्पना पर सतर्कता उठी, तमाम लोग जागे, तो निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालयों पर उठने वाली उंगलियां, शिक्षकों पर उठने वाली उंगलियां मुड़ जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं। लेकिन यह शायद लगता है कि प्रश्न ही बनकर रह जाएगा। तमाम लोग हमारे इस विचार पर, हाई कोर्ट के टिप्पणी पर, बिहार सरकार के आदेश पर और नवल किशोर यादव के द्वारा भी जो इस मुद्दा को उठाया गया है, उस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शिक्षक होंगे तो शिक्षक भी अपनी शिक्षक के रूप में टिप्पणी करेंगे। जिस प्रकार से शिक्षकों पर उंगलियां उठती है, तो मैंने कहा कि मात्र उनकी 25% गलतियां होती है और उंगली उठाने वाले की गलती 75%। कोई अगर अभिभावक अगर शिक्षक पर उंगली उठाता है तो सबसे पहले उन अभिभावक का 75% गलती रहता है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे के अभिभावक उस समय विद्यालय आते हैं जब छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, मध्याह्न भोजन के चावल वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिल रहा है, उस समय उनको नजर आती है। जब अभिभावकों की बैठक बुलाई जाती है, शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूं कि जब उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो एक के पास में भी फुर्सत नहीं रहता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले
बच्चों के अभिभावक सुबह से ही जाकर अपने बच्चों को सजाने संवारने उनके नाश्ता बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वही सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले अभिभावकों बच्चों के माता पिता बस सुबह हुआ स्कूल का टाइम हुआ जिस स्थिति में बच्चा है उसी स्थिति में भेज देते हैं। अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। यह मैंने जो बताया बिल्कुल धरातल की बात बता रहा हूं, शायद इसको जानकर इसको सुनकर किसी को अचरज भी लगे या गुस्सा भी आए तो क्षमा करेंगे, हमारी बातों से किसी को तकलीफ होता हो तो क्षमा चाहता हूं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट कर जरूर बताएंगे कि यह जो बातें चली है आपको कितना पसंद आया, कितना परसेंट इसमें सच्चाई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।